एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक कोशिश। पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से रात में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में भारतीय चौकियों पर अकारण गोलाबारी करने में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक जवान और चार नागरिक घायल हो गए। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान यूं तो आर्थिक तंगहली और बदहाली से जूझ रहा है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता का दौर भी देश को देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान अवाम सेना के खिलाफ ही सड़कों पर नजर आई थी। अपने देश में आतंकियों को पालने और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान बॉर्डर पर भी अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। गोलाबारी के बाद आरएसपुरा के अरनिये में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने सीमावर्ती गांव बुल्ले चक में घातक गोले बरामद किए। जम्मू में बीएसएफ ने बताया है कि उसने पाकिस्तान रेंजर्स को संघर्ष विराम उल्लंघन और अरनिया इलाके में उनकी चौकियों पर बिना उकसावे की गोलीबारी के लिए करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने आगे बताया है कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन रात करीब 8 बजे शुरू हुआ था। लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती आ रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलाबारी की वजह से कई इलाकों को नुकसान, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार सेल्स को भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कब कब तोड़ा है सीज फायर। साल 2018 में 2140 बार उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। साल 2019 में 3479 बार पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया है। साल 2020 में 5133 बार उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। साल 2021 में 6644 बार उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। साल 2022 की बात करें तो एक बार उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। लेकिन अगर बात की जाए हमारे जो सैनिक है, जो हमारे सोल्जर्स हैं भारत के, वो लगातार जो पाकिस्तान की जो कोशिश होती है उसको नाकाम करता है, लेकिन बार बार पाकिस्तान उल्लंघन करने की कोशिश करता है, बार बार भारत पर फायर करने की कोशिश करता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए जम्मू लद्दाख विजन के साथ।